मुझसे है राबता की कल्याणी जो है ना वो बन गई है त्याग की देवी। भैया त्याग करने की भी एक हद होती है। एक तो पहले आपने अपने पति को सौंप दिया संपदा को, उसके बाद नॉनस्टॉप रोना धोना हो रहा है। अब इसे कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारना। जी हाँ, पैर पर कुल्हाड़ी मारना एक चीज़ होती है। इन्होंने तो कुल्हाड़ी रखी हुई थी, जाकर पैर मार दिया, अब रोइए। कल्याणी रो रही है, खुद को कोस रही है और तो और किसी से खुद को बचाने की भी कोशिश कर रही है। एक तरफ कल्याणी ने संपदा को मल्हार सौंप दिया है तो उसी का फायदा उठाकर संपदा सौ बातें कल्याणी को सुना रही है और मल्हार को पूरी तरह से अपना बनाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं मल्हार के साथ एक ही कमरे में नहीं सोऊंगी, उसके करीब नहीं आऊंगी, तो मोक्ष को उसका भाई या बहन कैसे मिलेगा? हाँ, और तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं मल्हार के दूसरे बच्चे को जन्म दूं। हाँ, तो वहीं दूसरी तरफ रजत कल्याणी के साथ जबरदस्ती सुहागरात मनाना चाहता है। अब ये दो सिचुएशंस के बीच कल्याणी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। किन किन चीज़ों से गुजर रही है, पहले अपना पति को सैक्रिफाइस करना, फिर ये बात सैक्रिफाइस करना कि उनको साथ में सोना पड़ेगा कल्याणी के बच्चे के लिए। सो लाइक यू नो व्हेन जब मुझे नरेशन मिला था, मैं खुद बहुत ही नो इमोशनल हो गई थी। सो आई होप आप लोगों को भी ये ट्रैक पसंद आए। रचित ने कल्याणी के साथ गद्दारी की है, उसको धोखा दिया है और अब वो कल्याणी के करीब आना चाहता है। बट यू नो कल्याणी कैसी है, कल्याणी में जो राणे का सरनेम लगा है वो कहाँ छोड़ने वाली है। तो फिर ऑब्वियसली रचित की तो धुलाई मैं कर ही दूंगी, उसका तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। कितनी भी मुश्किल आ जाए उसमें कल्याणी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। देखे ना, रजत से बचने का रास्ता तो कल्याणी ने निकाल लिया पुलिस अंकल को फोन कर कर। पवार काका, अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो कानूनन क्या सजा मिलती है? ऐसा करना जुर्म होता है मैडम, और उसे 2 साल की जेल हो सकती है। 2 साल? काफी ज्यादा है ना? और साथ ही साथ कल्याणी के अथर्व बेटे ने भी टाइम पर एंट्री मारकर कल्याणी के साथ होने वाले हादसे को रोक दिया। अथर्व, यस, अथर्व बेटा और कल्याणी की जो ये जोड़ी है ना, आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव। अथर्व बेटा को मैंने बहुत सीरियसली ले लिया है और मैं सीरियसली उसको एक बच्ची की तरह ट्रीट करने लगी हूँ। मैं खाना मंगाती हूँ तो उसके साथ शेयर करती हूँ, एंड यू नो इट्स जस्ट वेरी क्यूट। और अथर्व बेटा इज ऑलवेज देयर फॉर उसकी आई का रेस्क्यू। कल्याणी ने रजत के मंसूबों पर तो रोक लगा दी, लेकिन कल्याणी संपदा का क्या करेगी? क्योंकि कल्याणी ने खुद संपदा को मल्हार के पास भेजा है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्याणी को इस बात का अफसोस है और इस बात से कल्याणी का दिल बहुत ही दुख रहा है। अब कल्याणी अपने दिल का इलाज करेगी या अपने पिल्लू को बचाने की कोशिश में संपदा और अथर्व को एक कर देगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।